ही एक बार फिर आप सभी का स्वागत नए ब्लॉग में। सो गाइज, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ अपने ननिहाल और नानी के गांव, मामा लोगों के गांव, और मिलेंगे आज पूरी फैमिली से, क्योंकि हमारा फैमिली भी हो सकता है, मेरी मम्मी आएगी या पापा कोई आएगा फैमिली से, और दीदी जीजू लोग आने वाले हैं करण प्रयाग से, तो सब मिलेंगे और फिर इंजॉय करेंगे। फिलहाल तो करण प्रयाग से निकल चुका हूँ मैं और पहुँच चुका हूँ शिमली, और यहाँ से लगती है पूरी कच्ची रोड, और नई नई रोड की कटिंग हो रखी है, तो बिल्कुल रोड की हो रखी है हालत ख़राब, गाड़ी भी हो रखी है फुल लोड, सामान पूरा भरा हुआ, और देखते हैं तोपाल जी आएंगे शायद लेने रास्ते में। सो गाइज निकलते हैं, बने रहिए आप ब्लॉग में, मिलते हैं फैमिली से और आपको भी मिलाते हैं। फिलहाल गाड़ी तो टिका दी एड्रेस पे और धूप पसीने से बिल्कुल हालत हो चुकी है ख़राब, और यहाँ से फिर एक बार हम चलेंगे पैदल चढ़ाई, लेकिन चढ़ाई आज ज़्यादा नहीं है, कमी है चढ़ाई। पहले पी लेते धारे का ठंडा पानी, बिल्कुल स्वच्छ हम साफ पानी। पहाड़ों में रह के हम करते हैं चिल, पहाड़ी है फील, पहाड़ी है फील, स्वांगनी करते हम रहते हैं चिल, देवभूमि का मैं लड़का, दिल तू साफ। एक बार फिर हो चुके हैं लोड चढ़ाई चढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा पानी पी के रिलैक्स जरूर मिला है, और अब चलते हैं चढ़ाई चढ़ते हैं, फिर पहुंचते हैं घर, और तोपाल जी भी मिल जाएंगे हमें रास्ते में। चार पांच दिनों से आजकल लगातार चढ़ाई चढ़ने का मौका मिल रहा है। तोपाल जी ने कर दिया आज बहुत उदास और बहुत निराश, क्योंकि घर के नज़दीक पहुँच चुका हूँ मैं और तोपाल जी अब पहुँच रहे हैं। टेंट लगा रहा था यार मैं, जरा कल की चढ़ाई से चढ़ाई बहुत कम, बिल्कुल घर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं हम, घर के बिल्कुल नीचे। ये हमारे नानी जी, नानी की हो रखी आजकल थोड़ी सी तबीयत खराब। ये है फौजी और ये लेट रखा है बिल्कुल पस्त पड़ के, दिन भर सोया रहता है। खाना पीना तो हो चुका है दिन का, और अब हो चुका है आरंभ भी हो चुका है, और फिर अब प्रोसेस आगे की प्रोसेस होगी। सबसे पहले तो चूल्हे लग चुके हैं खाना बनाने के लिए, यहाँ बनेगी हमारी दाल रोटी सब्जी जो भी बनेगा। तोपाल जी ने पूछ दिया प्रेशर, क्योंकि फिर ये चूल्हे में रख के काला नहीं होगा, नया प्रेशर लेके आए हैं तोपाल जी अभी। सो गौर से देखिए इस आदमी को, मेन रीज़न आज मेन हीरो यही है हमारे पवन भाई, इनकी शादी हुई थी हाल ही में, तो इनका आज घर पे क्या होगा रिसेप्शन की कथा। मामा जी, बड़े मामा और छोटे मामा, मामा जी लगे हैं सब्जी काटने पे। कुछ करते रहो, बिल्कुल सही, मजा पैसा लगा के लोग कितना करते हैं, बिल्कुल सही है, और इसका आनंद अलग है, सही है, उसमें आनंद नहीं, आनंद इसी में है, खाली सब्जी रोटी खाओ आनंद आता है, और सब लोग सहयोग करते हैं, गांव में कुछ भी मजा ही आता है, बहुत अच्छा लगता है। हम तो अच्छा लगता है मेरे को गांव में तो, और हम तो बाहर भी देख आ रहे हैं, यहाँ क्लाइमेट इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया जलवायु, यहाँ नज़ारा जैसे लगता है एसी में बैठे हैं लोग, बिल्कुल रात में पंखा बंद कर सो रहे हैं और वहाँ एसी चला रहे हैं प्लेन्स में, ये भी एक भाग्य की बात, हम ऐसी देवभूमि में रह रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में रह रहे हैं, हमारा सौभाग्य की बात है। मामा जी लगे हैं दाल चढ़ाने पे, दाल काबली चने को जरा सिट्टी मरवाता हूँ, उसके बाद सही ढंग से पक जाएंगे, बस तब बन जाएगी दाल, टेस्ट अच्छा आएगा। सही बात, हमारे दीदी और जीजू भी पहुंच चुके हैं, दीदी मिलेगी अपने नानी से। Thank you.
गाइस फिलहाल का सीन ये है कि हमारा महिला संगीत हो गया, रोटी रोटी बनने लग गए और खाना भी लगभग दाल सब्जी सब फिलहाल ओके हो रखा है। और अब जो चलेगा रात की पार्टी वगैरह चलेगी, अभी सत्यनारायण की पूजा होना बाकी है और खाना खाएंगे, डांस करेंगे बिल्कुल बिंदास होके। भाभी जी हमारी, जिनके हमने शादी भी खींची थी दिल्ली में, डांस कर दो एक बार। डांस करेंगे ना बाद में। बाद एक बार कर ले यार पहले। अरे कर You can't be.